जीएस ग्लोबल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव कामरान नासिर कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। सीपैक मंसूबा पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए फायदेमंद है। लंदन में रवां साल होने वाली पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जेएस ग्लोबल के सीईओ कामरान नासिर ने जहां पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश किया, वहीं शुरका को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इन दिनों तरक्की की राहों पर गामजन है। हमने इकोनॉमी की साइड पे बे इंतहा इम्प्रूवमेंट देखी है। पाकिस्तान ऑलरेडी एक आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर है और अगर सितंबर तक हमारे ये अगले जो रिव्यूज हैं ये भी कंप्लीट हो गए तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान आईएमएफ का एक प्रोग्राम पूरे तरीके से मुकम्मल करेगा। कामरान नासिर ने पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल और इख्तदार की पुरअमन मुंतकली को खुश आइन करार दिया और साथ ही पाकिस्तानी मईशत में जेएस ग्लोबल की खिदमात पर भी रोशनी डाली। 25% एंड प्लस इस वक्त जेएस ग्लोबल का मार्केट शेयर है इन द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स और आने वाले दिनों के अंदर इस शेयर में मैं बतदरीजी इजाफा देख रहा हूँ। सीईओ जेएस ग्लोबल ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में सियासी गहमा गहमी अपनी जगह, मगर तरक्की का पहिया नहीं रुकना चाहिए क्योंकि तमाम सरमायाकार और कारोबारी हजरात तरक्की की गाड़ी को ट्रैक पर ही चलते देखना चाहते हैं।